तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ, सैमसंग की एक गुड लक ऐप के अंदर एक मॉड्यूल होता है जिसका नाम है नाइट शॉट। उसके अंदर एक नया अपडेट आया, या फिर आप कह सकते हैं वन यू आई 5.0 गया, तो उसमें एक नया अपडेट आया और कुछ नए फीचर्स, या बोल सकते हैं कुछ फीचर्स में चेंजेस किए गए। क्या ये नया अपडेट है, क्या नए चेंजेस किए गए, आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना, और हो सके तो यार मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो कर लेना, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ गुड लॉक की एक मॉड्यूल के बारे में जिसका नाम है नाइट शॉट, जिसमें एक नया अपडेट आया है आफ्टर वन यू आई 5.0 अपडेट के बाद। तो आपको क्या करना है, पहले जाना है आपको अपने मोबाइल की गुड लॉक वाली ऐप में। वहां जाएंगे तो आप देखेंगे आपको लाइफ अप में एक अपडेट मिल रहा होगा नाइट शॉट्स का। आपको उस पर क्लिक करना है अपडेट्स पे, वो आपको ले जाएगा आपके गैलेक्सी स्टोर पे। गैलेक्सी स्टोर पे जाने के बाद आप देखेंगे इसमें यहाँ पर क्या नए चेंजेस किए गए हैं। तो पहले बता दूं, इस अपडेट को रोल आउट किया गया है 25 अक्टूबर को, लगभग एक महीना पहले ही। पर ये मेरे पास वन यू आई 5.0 अपडेट अभी 2 दिन पहले ही आया है, तो इसलिए मेरे को अपडेट अभी मिला है जो कि है 2.1.02 MB का। यहाँ पर आप देखेंगे क्या नए चेंजेस किए गए। यहाँ पर जो नए चेंजेस किए गए, डिलीट द डू नॉट कॉपी इमेज टू क्लिप कार्ड वैन सेविंग। जो डू नॉट कॉपी इमेज का एक क्लिप कार्ड का एक ऑप्शन था जिसको वहां से हटा दिया गया है, और साथ में डिलीट द सेल्फी वीडियो ऑप्शन, सेल्फी वीडियो साइड सेटिंग। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, क्या अपडेट करने के पहले ही बताता हूँ और अपडेट होने के बाद बताऊंगा। लाइक मैं यहाँ पर आ गया नाइट शॉट्स में, तो यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है ना, आपको दिख रहा है डू नॉट कॉपी इमेज टू द क्लिपबोर्ड व्हेन सेविंग। तो ये फीचर पहले था, इससे क्या होता था, अगर अपने इसको क्लिक करके रखा है तो कोई भी, अगर मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ, लाइक मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया, अब ये क्या जाएगा क्लिपबोर्ड के अंदर सेव हो जाएगा। बट अगर मैं इसको यहाँ पर हटा दूंगा तो वो अब क्लिपबोर्ड में सेव नहीं होगा, आपको क्लिपबोर्ड में नहीं दिखेगा। तो ये काम करता था, बट ये कोई ज़्यादा यूजफुल नहीं था, क्योंकि हर आदमी आजकल यही करता है, स्क्रीनशॉट लिया उसको क्लिपबोर्ड में जाके डायरेक्टली पेस्ट आउट कर दिया, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। बट ये फीचर उनको लगा अननेसेसरी का है, तो वन यू आई 5.0 में इस ऑप्शन को हटा दिया है। और साथ में एक ऑप्शन और दिया गया है सेल्फी वीडियो ऑप्शन में, सेल्फी वीडियो साइज का, जो भी अननेसेसरी का ऑप्शन है अब उन्होंने इसको भी यहाँ से हटा दिया। जैसे कि इसको साइज मैनेज करने के लिए दिया था, अब उसको यहाँ से हटा दिया गया। अब मैं इसको कर लेता हूँ फाइनली अपडेट। तो इसको कर लेते हैं अपडेट। अपडेट होने के बाद आप देखेंगे इसमें क्या क्या उन्होंने हटा दिया गया, तो उसको होने देते हैं पहले तो अपडेट। तो फाइनली दोस्तों ये हो चुका है अपडेट। अपडेट होने के बाद मैं आपको ले जा रहा हूँ इसकी ऐप में नाइट शॉट्स में। तो वापस गुड लक की ऐप में आ गया, यहाँ पर जाने के बाद मैं नाइट शॉट वाली ऐप पे आया। तो आप देखेंगे सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन मिल रहा था जो कि इससे पहले वाले वर्जन मैंने आपको दिखाया डू नॉट कॉपी वाला, वो यहाँ से हट चुका है, और साथ में सेल्फी वीडियो वाले ऑप्शन पे भी वो यहाँ से हटा दिया गया है साइज वाला ऑप्शन, क्योंकि वो अननेसेसरी का था यार, कोई काम का नहीं था, इसलिए उन्होंने हटा दिया गया। अब ये फीचर काम कैसे करता है आप देखेंगे नाइट शॉट। तो यहाँ पर दोस्तों जो मतलब इस अपडेट के बाद ये बोल सकते हैं इस नाइट शॉट ऐप में आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहला जो फीचर दिया गया है डिसेबल क्रॉप स्नैपिंग। अगर आप नहीं चाहते वो मिले आपको तो एडिटिंग के अंदर हटा सकते हैं, और ऐड डिलीट बटन जो मिलता है आपको, जैसे कि मैंने यहाँ स्क्रीनशॉट लिया, नीचे आपको डिलीट का बटन मिल रहा है। अगर आप नहीं चाहते कि डिलीट का ऑप्शन आपको नीचे मिले तो आप यहाँ पर क्लिक कर दो, डिलीट का ऑप्शन आपको वहां से हट जाएगा। तो ये फीचर ऐसे काम करेगा। उसके नीचे दिया गया है सेल्फी वीडियो ऑप्शन। जब भी आप अगर कोई स्क्रीन रिकॉर्ड करेंगे अपनी वीडियो के साथ, सेल्फी के साथ, तो आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं कि जो बैकग्राउंड कलर है वो कैसा रहे, ट्रांसपेरेंट रहे ना रहे, तो आप यहाँ सेट आउट कर सकते हैं। ऑटो डिटेक्ट बैकग्राउंड कलर पे कलर करेंगे तो जो भी बैकग्राउंड पीछे आएगा ऑटोमेटिक वहां पर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अगर आप नहीं चाहते कोई कलर अपने हिसाब से डिजाइन करना बताना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। कलर डिटेक्शन सेंसिटिविटी को भी यहाँ से बढ़ा सकते हैं, और डबल साइड जो वीडियो का साइज है आपकी सेल्फी का वो इंक्रीज कर सकते हैं। और यहाँ पर आएंगे लास्ट ऑप्शन दिया गया है डू नॉट डिस्टर्ब ड्यूरिंग स्क्रीन रिकॉर्डिंग। जब भी आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर रहे हो तो आपका मोबाइल ऑटोमेटिक डू नॉट डिस्टर्ब पे चले जाए। ओवरऑल इस ऐप का काम क्या है, जब भी कोई आप अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले रहे हो या फिर कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो ये ऐप आपके वहां पर काम करेगी। तो यही नया अपडेट था जो कि मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है दोस्तों मेरी कुछ कमी है तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे डीएम या फेसबुक पे भी मुझे डीएम कर सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दो, और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करना ना भूले, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।